गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज फिफ्थ मीटिंग के ऊपर जा रहे हैं। लास्ट टाइम फोर्थ मीटिंग के अंदर एक पॉइंट हमने देखा था, वो था साइलेंट एरिया के बारे में। क्योंकि जो ब्रेन जो है हमारा, तीन हिस्सा उसमें बताया कि एक जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है, दूसरा जो है वो अपकीप का, मतलब कि सार संभाल लेने वाला हिस्सा है, और तीसरा जो है वो साइलेंट एरिया है, और वो जो है वो सेंट्रल सेरेब्लम जो एरिया है ब्रेन का, उसके अंदर आता है। और डॉक्टर किंग क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो इम्पल्सिस आते हैं 30,000 इम्पल्सिस, उसमें से 66,000 इम्पल्सिस जो है, मतलब कि 20,000 जितना इम्पल्सिस तो ये एरिया के अंदर, साइलेंट एरिया के अंदर अदृश्य हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो वो एरिया ऐसा है, साइलेंट एरिया को ऐसे कहते हैं क्योंकि वहाँ कोई चहल पहल नहीं होती है, वहाँ कोई विचार नहीं बनते हैं, वो एकदम एरिया एक अलग एरिया है कि जहाँ वो साधना के एरिया है, क्योंकि जो हमारा आत्मतत्व वगैरह जो है वो उस एरिया के अंदर है, हमारा बिंदु चक्र है वो भी उस एरिया के अंदर है। अब ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर एक साइलेंट एरिया है, उसके जैसा ही जिस तरह ये काम कर रहा है, इस तरह ब्रह्मांड में भी एक काम कर रहा है, उसको ब्लैक होल कहते हैं। जिन लोगों को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो वो उसको पता होगा कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल बहुत बड़े ह्यूज प्रकार के ये होते हैं कि जिसके अंदर इतने बड़े होते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सी भी उसके अंदर समा जाती है। और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उसके नज़दीक जो भी आता है उसको वो खा जाता है, वो कंज्यूम कर लेता है। जिस तरह हमारे साइलेंट एरिया के अंदर ये 20,000 इम्पल्सिस घुस जाते हैं, फिर क्या होता है पता नहीं है, इसी तरह ब्लैक होल जो है उसके अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी वगैरह चले जाते हैं। तो ये भगवान की रचना देखो कि हमारे अंदर साइलेंट एरिया दिया है, उस ऐसा ही ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल दिया है। तो दोनों अपने अपने ढंग से इस तरह काम करते हैं। पृथ्वी पर भी ऐसी कोई जगह होती है कि जहाँ से कोई चीज़ जाती है तो वो अदृश्य हो जाती है, उसको कुछ बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। तो वहाँ से कहते हैं कि प्लेन वगैरह नहीं जा सकता, अगर प्लेन भी ऊपर से उड़ता है तो वो उसको खींच लेता है, फिर वो चीज़ कहाँ जाती है पता नहीं चलता। तो ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में है, और हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम भी ऐसा ही भगवान ने बनाया है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, जो ब्रह्मांड के अंदर है वही पिंड के अंदर है। तो ये दोनों इस तरह काम करते हैं। अब भूलोक जो है हमारा, ये सारा जो है वो सब भूलोक में है, पूरा ब्रह्मांड जो है इसको साइंस यूनिवर्स कहते हैं। तो भूलोक कितना बड़ा होगा, तो साइंस ने तो आज काफ़ी तरक्की कर ली है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और ये सारी चीज़ें उसने देखी है कि भाई क्या क्या है, ऐसे ब्लैक होल होते हैं, वाइट होल होते हैं, फिर बड़ी बड़ी जायंट गैलेक्सीज होती हैं, स्टार्स होते हैं, ये सब होता है। और इतना बड़ा है कि उसको क्रॉस करने के लिए 90,000 लाइट ईयर्स की जरूरत पड़ती है, एक छोर से दूसरे छोर जाना होता है तो 90,000 लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर्स क्या है हम जानते हैं कि एक सेकंड के अंदर जो प्रकाश की गति होती है वही एक साल के अंदर जितनी गति प्रकाश की होती है वो लाइट ईयर्स कहलाता है। तो 90,000 लाइट ईयर्स इसको खाली भूलोक को क्रॉस करने के लिए जाता है। अब मुझे एक विचार आ रहा था कि ये तो भाई साइंस ने ढूंढा, तो हम अभी यहाँ जो है वो तो फोर्थ सब स्टेज के अंदर है ना, हमारी ह्यूमिनिटी है, हमारा जो भूलोक है जहाँ है हम, तो साइंस ने तो ये फोर्थ सब स्टेज का जो जगह है वहाँ से ये सारी चीज़ें खोज निकाली है, पर भूलोक तो इतना है नहीं, तो क्योंकि फोर्थ से ऊपर फिफ्थ सिक्स सेवन तक सब स्टेजी से, नीचे भी सब स्टेजी से,
तो ये तो जो साइंस आज बता रहा है वो तो मुझे लगता है कि एक पार्ट जितना है भूलोक का। अगर हम फिर फिफ्थ सिक्स सेवन का वहां से अगर भूलोक को देखे तो कुछ और ही चीजें दिखाई दे सके, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि भूलोक भी इतना वास्ट है कि साइंस ने तो बताया है वो तो बहुत छोटा हिस्सा है, इससे बहुत बड़ा हिस्सा भूलोक का होगा, मुझे ऐसा लगता है। और तीन लोक में सबसे छोटा लोक जो है वो भूलोक है, इससे दो गुना जो है वो भूलोक है और उससे भी दो गुना है वो स्वलोक है। तो ये ब्रह्मांड की तो हम कोई बुद्धि से दिमाग से कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ये भगवान ने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, क्या पर्पस है, वो समझना बहुत बहुत मुश्किल है। पर इतनी सारी वास्त जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, ऐसा सारा भगवान ने सब बना के छोड़ दिया है। तो ये भूलोक जो है हमारा आज साइंस कहता है उससे तो बहुत बड़ा भूलोक है हमारा शास्त्र के हिसाब से। तो ये बात मुझे थोड़ी आपको शेयर करनी थी, खास करके हमारे अंदर साइलेंट एरिया है तो उसका सिनोनिमस ब्लैक होल ब्रह्मांड के अंदर है। चलिए आप फिफ्थ मीटिंग आज की पढ़ते हैं, 18 अक्टूबर 1984 में ये तावरिया जी ने मीटिंग दी थी बॉम्बे के अंदर। तो ये सेकंड सीरीज का की फिफ्थ मीटिंग है 84 में। तो क्या कहते हैं, इन आवर फोर्थ मीटिंग वी हैव एग्जामिन द ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम दैट ऑफ ऑल अदर लोअर लाइफ ऑन अर्थ प्रोवाइडेड ही डज नॉट लिव ओनली विथ हिज ब्रेन ए द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ओनली। तो क्या कहते हैं यहाँ कि ये जो फोर्थ लास्ट मीटिंग के अंदर हमने किया ब्रेन का फॉर्मेशन के बारे में देखा था कि जो ब्रेन की रचना किस प्रकार की है और ब्रेन के अंदर क्या क्या कितने प्रकार के ब्रेन है, क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये चीज जो है वो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन कैसा है इसके बारे में उन्होंने बात की थी। और जो लोअर लाइफ है पृथ्वी के ऊपर, मतलब कि मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी वगैरह जो है लोअर लाइफ, उसकी उससे हमारा ब्रेन काफी हद तक अलग है, क्योंकि मनुष्य का ब्रेन के कुछ खास पर्पस है उसको देने के लिए, और पशु पक्षियों का जो ब्रेन है उसका उसका जीने के लिए इसका उपयोग होता है। मनुष्य का जो है वो इवोल्यूशन के अंदर भी उसके ब्रेन का कुछ उपयोग करना होता है, पर ये जो है वो प्रोवाइडेड, मतलब कि वो जब तक मनुष्य जो है वो इस तरह दूसरी चीजों से भी जीता हो, मतलब कि खाली ब्रेन से नहीं उसके अंदर भाव वगैरह भी हो, तो वो दूसरे प्राणियों से अलग है। तो सिर्फ एक ब्रेन की बात नहीं है, ब्रेन तो दोनों के अंदर है, पर दूसरा कुछ और चीजें भी भगवान ने मनुष्य के अंदर दी हुई है। और वही यहाँ आगे बताते हैं, वी ऑल्सो नोटेड दैट द थ्री एरियाज ऑफ ह्यूमन ब्रेन डेपिक्ट ए द इंटेलेक्चुअल मैन, बी द इमोशनल मैन एंड सी द स्पिरिचुअल मैन। तो ह्यूमन जो बनता है इसके अंदर ये तीन एस्पेक्ट है, एक इंटेलेक्चुअल मैन का मतलब कि एक बौद्धिक व्यक्ति, ये जो अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग करता है इस तरह का व्यक्ति। दूसरा जो है वो इमोशनल, मतलब अपने भाव का उपयोग करता है ऐसी व्यक्ति। और तीसरी जो है वो स्पिरिचुअल मैन, मतलब कि जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो कुछ ऊर्जाओं के साथ काम करता है ऐसी व्यक्ति। और इसके ऊपर से इंटेलेक्चुअल मैन के लिए हमारे ऊपर जो शास्त्रों के अंदर अलग अलग मार्ग भी बने, तो जो है इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो है वो बुद्धि योग जिसको कहते हैं या ज्ञान योग जिसको कहते हैं वो उनको ज्यादा सूट होता है। फिर इमोशनल प्रकार के लोगों के लिए ये भक्ति मार्ग जो है वो ज्यादा सूट होता है। और स्पिरिचुअल मैन तो वो है कि जो सारे मार्गों का समन्वय करता है,
उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक ही मार्ग के ऊपर चलूं। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है वो भक्ति का भी सहारा लेता है, ज्ञान का भी सहारा लेता है, कर्म का भी सहारा लेता है, प्राण योग का भी सहारा लेता है। तो सारी चीजों का जो सहारा लेता है वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है। द पर्पज इन ड्रॉइंग योर अटेंशन इज टू एक्सप्लेन दैट बोथ द एरियाज ए एंड बी आर फार फ्रॉम परफेक्ट एंड नीड अ लॉट ऑफ करेक्शन एंड डिसिप्लिन। तो ये जो दो एरिया है ऊपर जो बताया, एक हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया तो और दूसरा जो हम अपकीप का जो एरिया है, तो ये दोनों एरिया जो है उसके ये अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, वो परफेक्ट नहीं है, उसके लिए अभी बहुत काम करना बाकी है, करेक्शन अंदर करना बाकी है और कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है कि जिसके द्वारा जिस डिसिप्लिन से हम ये सब सारी प्रैक्टिस कर सके, आध्यात्मिक प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सके, तो फिर हमारा ये जो है दोनों एरिया जो है वो धीरे धीरे करके परफेक्ट होता जाएगा। तो इसीलिए जो हमें काम करना है, साधना करनी है, वो यही है कि भाई एक तो अंदर करेक्शन करना है और डिसिप्लिन के साथ और प्रैक्टिस करनी है। मैन इज एन इवॉल्विंग बीइंग एंड सो इज नॉट कंप्लीटली येट एंड कैन बी कंप्लीट इन टू वेज। ही कॉन्शियसली टेक्स हिमसेल्फ इन हैंड एंड सीरियसली एंगेजेस इन सर्टेन प्रैक्टिसेस और टू लेट द नॉर्मल पूल ऑफ इवोल्यूशन डू इट इन द कमिंग फ्यू मिलियन ईयर्स। तो ये बात भी हमेशा वो बताते रहते हैं तावरिया जी कि भाई आपको चॉइस है, आपको अध्यात्म के मार्ग के ऊपर प्रगति करनी है, इवोल्यूशन के मार्ग के ऊपर प्रगति करनी है, तो आपको अपने आप को हाथ में लेना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अपने अंदर जो है वो सुधारना करेक्शन करना पड़ेगा और इस तरह हमें अपने आप में इवोल्यू होने का प्रयत्न करना है, हम हमारा इवोल्यूशन खुद कर सकते हैं और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर बताई गई है। और दूसरा रास्ता ये है कि चलो भाई कुछ नहीं करना है तो भी किसी न किसी दिन तो इवोल्यूशन होता रहेगा, जैसे जैसे प्रकृति का इवोल्यूशन होता रहेगा ऐसे वैसे व्यक्ति का भी इवोल्यूशन होता रहेगा। जैसे कि पहले ह्यूमिनिटी थर्ड सबस्टेज के अंदर थी, आज फोर्थ सबस्टेज के अंदर है, फिर आगे जाएगी फिफ्थ सबस्टेज, सिक्स, सेवन, इस तरह प्रकृति धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो उसके अंदर जो जन्म लेने वाले व्यक्ति का भी इवोल्यूशन ऑटोमेटिक उस हद तक का तो हो जाता है, पर इसके लिए तो लाखों साल लग जाएंगे और तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और यहाँ के सुख दुख को भुगतना पड़ेगा, कर्म की साइकिल के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से अगर मुक्ति चाहिए तो फिर एक ही रास्ता है कि हमें हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा। रिमेम्बर अवर सो कॉल्ड सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया एंड एज लॉन्ग एज इट इज इम्परफेक्ट 2482 मैन विथ ग्रेटर नॉलेज विल बिकम ए ग्रेटर एंड मोर सिनिस्टर क्रिमिनल। ये बहुत यहाँ एक गंभीर बात उन्होंने बताई है कि ये जो हमारा अभी जो संस्कृति जो हमारी डेवलप हुई है वो उसका आधार तो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो ब्रेन है उसने ही सारी चीजें धुन निकाली है और उसके द्वारा ही हम सब जो जीते हैं थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के बेस के ऊपर। और हमारा नॉर्मल जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का रेशियो है लगभग 99% जो ह्यूमिनिटी है उसका जो नॉर्मल रेशियो है वो 2482 का रेशियो है, तो वो 2482 का रेशियो यहाँ है पर अभी वो ज्यादा वही रेशियो के ऊपर अगर वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करता जाएगा तो एक बहुत बड़ी एक संभावना और बहुत बड़ा डेंजर ये है कि वो एक दुष्ट प्रकार का एक क्रिमिनल व्यक्ति बन जाएगा। तो जितना मतलब कि ज्ञान अपने आप में एक प्रकार से डेंजर है, जब तक आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करते हैं, अपने आप को आप एक
ऊंचाई पर नहीं ले जाते हैं, आपका रेशियो चेंज नहीं होता है और खाली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ज्ञान आपको आपके लिए एक और मुसीबत खड़ा कर सकता है। वो व्यक्ति के अंदर एक क्रिमिनल टाइप की मेंटालिटी डेवलप, क्योंकि आदमी ज्यादा होशियार बन जाता है तो वो अपनी होशियारी का उपयोग क्या कहाँ करेगा, जो उसकी वीकनेस है उसके अंदर ही वो करेगा, वो चोरी चपाती करेगा, रॉबरी करेगा, बैंक लूटेगा, ये करेगा वो करेगा, दूसरों को धोखा देगा, तो उसके अंदर ही उसकी होशियारी जो है वो काम में लग जाएगी। अगर उसने रेशियो चेंज किया है, उसके अंदर सत्व गुण अगर बढ़ गया है, तो फिर ये इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि सत्व गुण इसको रोकेगा इस तरह की चीज, तो वो जो वहाँ इसकी होशियारी अलग रूप में काम होगी। तो ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा नॉलेज किसी को देने की भी जरूरत नहीं है, जितना नॉलेज की हमें जरूरत है प्रोग्रेस के लिए इतना नॉलेज ही हमें लेना चाहिए। ओनली सी एरिया द साइलेंट एरिया इज एंड ऑलवेज वॉज परफेक्ट। अब ये दो एरिया तो ऊपर वाला तो ए और बी तो इन परफेक्ट है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और ये, पर तीसरा जो एरिया है साइलेंट एरिया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ब्रेन के अंदर जो है सेंट्रल सेरेब्रम के अंदर, वो एरिया जो ऐसा है कि पहले से ही परफेक्ट है, मतलब कि जन्म व्यक्ति लेता है तो वो परफेक्ट एरिया के साथ ही जन्म लेता है, और हर व्यक्ति के अंदर वो चाहे 2482 वाला रेशियो वाला व्यक्ति हो या 522 वाला हो या इससे ऊपर का कोई हो, कोई भी हो, ये भगवान ने एक पोटेंशियली ये चीज तो सबको दे दी है, सी एरिया दिया हुआ है सबको, पर उसको हमें जागृत करना है या फिर वहां तक हमें पहुंचना है, उस एरिया के हमें उसके कम्युनिकेशन में हमें आना चाहिए, तब वहां से जाके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। द स्पिरिचुअल मैन कुड बी एंड ऑलवेज वॉज ब्लेस्ड विद द बुद्धा और क्राइस्ट नेचर। एंशियंट इजिप्शियन एंड पर्शियन किंग्स वेर ब्लेस्ड थस एंड सो देयर सिविलाइजेशन। तो ये जो आध्यात्मिक मानव जो है वो हमेशा ये बुद्ध और क्राइस्ट का जो नेचर है, मतलब कि ये जो हमारा असली स्वभाव है बुद्धा स्वभाव या हमारा अपना स्वभाव या आत्मभाव आत्मा स्वभाव जिसको कहें, वो स्वभाव हमें हमेशा के लिए मिला हुआ है और उसके आशीर्वाद भी हमें मिले हुए हैं। और जो पुरानी जो संस्कृति थी जैसे इजिप्ट की थी, पर्शिया की थी, जो आज का ईरान है, वो सारी संस्कृति जो थी वो इस तरह डेवलप हुई थी कि जिसके अंदर ये सी एरिया साइलेंट एरिया का उपयोग किया जाता था। तो ये पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि पर्शिया के अंदर बहुत सालों पहले जब वहाँ जोरास्ट्रन किंगडम था, तो एक जमशेद नाम का एक किंग वहाँ था, बहुत बड़ा किंग था, बहुत फेमस था और बहुत अच्छा आदमी था, पायस आदमी था। उसके पास एक जाम था, जाम मतलब एक कप था, और पर्शिया तो इतना बड़ा देश था कि किस कोने में क्या चल रहा है तो वो राजा को भी पता नहीं चलता था, क्योंकि संदेश व्यवहार करने में भी बहुत समय लग जाता था। पर उसके पास ऐसा एक ये था, ये जाम था, और एक शक्ति थी उसके अंदर यही कि वो जाम के अंदर वाइन को भरता था और वो वाइन के अंदर जो जगह को देखना चाहता था वो देख सकता था, कि पर्शिया के कोई भी एरिया को देखना चाहता था, वहाँ क्या हो रहा है, प्रजा सुख शांति से जी रही है कि नहीं, कि और कोई गड़बड़ है वगैरह, सारी चीजें ये जमशेद नाम का जो किंग था वो देख सकता था, इसलिए उसको जाम ए जमशेद कहा जाता था, वो जमशेद का जाम था। इसी तरह इजिप्शियन जो थी वो सिविलाइजेशन के अंदर भी आप देखोगे कि वहाँ जो पिरामिड वगैरह बने हैं, तो वो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाली ब्रेन से बना हुआ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके नहीं बनाया है, वो ऐसी एक अद्भुत रूप से बना हुआ है कि निश्चित रूप में वहाँ साइलेंट एरिया का उन लोगों ने कोई उपयोग किया होगा और इसी तरह कुछ ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ये सारी चीजें बनाई। बाकी सामान्य बुद्धि से आज का साइंस भी समझ नहीं पाता कि भाई ये इतने 3,000-4,000 साल पहले इन लोगों ने किस तरह बनाया होगा। तो वहाँ जो रामसे राजाओं की डायनेस्टी थी उस समय ये सारी चीजें बनाई गई थी, पर वो सब मिस्टिकल चीजें हैं,
अभी तो वैसे बहुत सारी चीजें थोड़ी ये बाहर का इससे प्रभावित हो गई है, बहुत सारी चीजें नष्ट भी हो गई है, पर फिर भी इसकी जो बनावट है वो ये हमारा सामान्य जो ब्रेन है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसे परे से कोई चीज आई है और इस तरह उन लोगों ने ये सी चीजें बनाई हैं। सो आई एम डिसमेड एंड अनहैप्पी व्हेन ऑन ऑल साइड आई सी दैट वी आर इन सर्च एंड वी गो राउंड। अब ये तवरिया जी कहते हैं कि भाई मैं इसीलिए निराश हूँ और दुखी भी हूँ कि लोग अंदर अपने अंदर झांकने की बजाय बाहर भटकते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ये कोई ये आश्रम में जाएगा, कोई वो आश्रम में जाएगा, कोई ये शिविर में जाएगा, सब लोग भटकते रहते हैं, या फिर अलग अलग तीर्थों के ऊपर जाएगा, जैसे कि भगवान कोई तीर्थ के अंदर बैठा हुआ है, इस तरह कोई ये तीर्थ में जाएगा, कोई हिमालय जाएगा और भगवान को ढूंढता रहेगा, अपने अंदर वो देखने का वो प्रयत्न नहीं करेगा। तो वो ये चीज देख के थोड़े निराश है कि लोग क्यों नहीं अपने अंदर देखते हैं। सारी चीजें भगवान ने अंदर ही दी है, खुद भगवान अंदर बैठा हुआ है और वो भगवान को छोड़ के हम बाहर भगवान को कहीं ढूंढते रहते हैं और भगवान के लिए सारी बाहर का भगवान के लिए सारा कष्ट उठाते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी चीज हम करते रहते हैं जो भगवान हमारा अंदर बैठा है। और जब हम उपवास वगैरह करके ये शरीर को भूखे मारते हैं तो वो भगवान भी दुखी होता है। कहाँ सुखी होगा वो भगवान कि आज तुमने ये कष्ट उठा लिया, तो ये शरीर को जितनी पीड़ा दोगे तो क्या भगवान अंदर खुश हो जाएगा? ये सब ना समझे की बात है। वी गो टू चर्च एंड टू टेम्पल एंड टू मॉस्क, वी गो इन होप टू बनारस, मक्का, रोम एंड जेरूसलम, इवन इन द पायस होप टू डाई देयर सो दैट वी कैन गो स्ट्रेट टू हेवन इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर डीड्स। अब देखो यहाँ कितनी हमारी मूर्खामी है, हमारा ब्रेन कितना एक गलत रूप से सोचते हैं कि एक तो बाहर ये सब हम बाहर सर्च करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या फिर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं, हिंदू धर्म वाले हो तो बनारस जाते हैं, मुसलमान होते हैं तो मक्का जाता है, क्रिश्चियन रोम जाता है, यहूदी जेरूसलम जाता है, और वही आशा के अंदर कि भाई अगर हमने कुछ पुण्य कमा लिया तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और ये तीर्थाटन करते करते उसी तीर्थ के अंदर मर गए तो हम सीधे स्वर्ग में ही चले जाएंगे और उसे हमारे कर्म कैसे है उसका उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो वही एक हमारी ऐसी सोच होती है भाई, गंगा नदी में दो डुबकी लगा दो, चाहे हमने कितने भी पाप किए वो सब धुल जाएंगे। तो ये सब नासमझी की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जीवन कैसा है, हमारा कर्म कैसा है, हमारे अंदर की सोच कैसी है, इसके ऊपर सारी चीज निर्भर करती है। और हम सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और हर धर्म के अंदर ये लालच दी गई है, एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म के अंदर ये स्वर्ग और नरक की बात अलग अलग रूप में की गई है और व्यक्ति को या डराया जाता है या ललचाया जाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा नुकसान होगा। ये सब चीजों में जब तक हमारा माइंड रहेगा तब तक कभी भी हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी, इन चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। ब्रेन का विकास करना है, मतलब कि अंदर की एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसका विकास होना चाहिए और इन सारी चीजों से ऊपर उठना है। वी गो टू सेंट्स, टू गॉड मैन, टू अवर हाई प्रीस्ट, टू स्टोन आइडोल्स, टू ट्रीज, टू ए क्रॉस, एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू अवर सेल्फ इन सर्च ऑफ डिवाइन हेल्प। फिर बाहर ये सारी चीजों को हम इसके पास ये भटकते रहते हैं, कोई लोग संतों के पास जाते हैं, कोई धर्मात्मा लोगों के पास या जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उनके पास जाते हैं, या फिर हम मंदिर में जाके मूर्तियों की पूजा करते हैं, या कई लोग तो ये अपने वृक्ष की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है क्रॉस की पूजा करते हैं,
सारी चीजें जो है वो बाहर की सब हम पूजा अर्चना वगैरह करते हैं रहते हैं, अंदर हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं है। अंदर की और किस तरह मुड़ा जाए और अंदर भगवान बैठा है वो किस तरह उसके एक इंच भी हम नजीक जा सके, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है और मानते हैं कि ये सारी चीज करेंगे तो हमें एक डिवाइन हेल्प मिल जाएगी। पर इस तरह कोई डिवाइन हेल्प मिलती नहीं है। डिवाइन हेल्प मिलेगी जब आप वो रास्ते के ऊपर होंगे और जब आपको जरूरत होगी तब आपको टाइम टू टाइम डिवाइन हेल्प मिलती जाएगी। वो एक प्रोग्रेस की बात है, एक प्रोग्रेस के अंदर डिवाइन हेल्प टाइम टू टाइम आती है। ऐसे लोगों के लिए डिवाइन हेल्प नहीं है कि जो पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर बैठे हैं और खाली बातें अध्यात्म की और योग की बातें करते हैं, इन लोगों के लिए डिवाइन हेल्प नहीं है। When will this meaningless external search cease? अब ये जो भटकन है बाहर की वो कब बंद होगी, कब तक हम भटकते रहेंगे? When shall we stop roaming around this wide world and when shall we instead looking in and that too in that small area within us? तो कब तक हम भटकते रहेंगे, भागते रहेंगे और अंदर जो एक छोटा सा एरिया है, छोटी सा जगह है वहाँ हम देखते नहीं है और बाहर इतने बड़े जगत के अंदर कुछ ढूंढते रहते हैं। तो यही छोटा सा एरिया जो हमारा साइलेंट एरिया है, जहाँ हमारा भगवान बैठा हुआ है, जहाँ हमारा जो अंतिम लक्ष्य है जहाँ पहुँचने का, वो ये छोटा एरिया है, उसको छोड़ के हम बाहर सारी चीजें करते रहते हैं। When shall we have conviction that the most sacred and divine being and divine help is surely at hand and there is no place on earth or in heaven as such and divine and there is no such sacred external church, temple or mosque. Stories are purposely created to make a place look sacred. तो पहली बात तो ये है कि अभी हमें एक अंदर अतल श्रद्धा एक आनी चाहिए हमारे अंदर, कि हमारा अंदर का जो बीइंग जो पड़ा है वही सबसे सेक्रेट पवित्र जिसको कहते हैं वो जगह है और वो पृथ्वी और स्वर्ग इन सब चीजों से पवित्र जगह हमारे अंदर पड़ी है। और जब उस ओर हम जाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें ये डिवाइन हेल्प भी हमें अवेलेबल होती है, उस समय हमें ये चीज मिल जाती है। तो बाहर चर्च हो, टेम्पल हो, मॉस्क हो, कहीं भी जाएंगे तो जितनी पवित्रता अंदर पड़ी है वहां कोई बाहर के कोई हिस्से के अंदर नहीं पड़ी है। ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी हम चले जाए, जितना अंदर का बीइंग हमारा पवित्र है इतनी कोई पवित्र जगह हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पर जरूरत इतनी है कि वो पवित्र जगह को हमें जानना है, पहचानना है और उसके साथ में वहां से हमें जीना है, न कि ये खोपड़ी से न ब्रेन से, हमें जीना है वो एरिया से कि जहाँ हमारा तत्व पड़ा हुआ है। पर इसका उल्टा हो गया, जो पुराणों के अंदर बात हुई तो लोग इस तरह उसको सच मानने लगे कि जैसे कि वही जगह के ऊपर भगवान कोई रह रहा है और वहां जाने से हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो कोई कहता है कि भाई कैलाश पर्वत चले जाओ, वहां तो शंकर भगवान शिव जी बैठे ही है, वहां दर्शन हो जाएंगे। तो फिर ये जो शास्त्र भी बने थे उसका भी फिर एक मिसयूज हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग इससे क्रिएट हो गई कि हम सचमुच में बाहर कोई भगवान बैठा है इस तरह मान के हम भटक रहे हैं। बट For such conviction, one has to look within methodically, day after day, till it happens. The reward is beyond your most vivid imagination. तो ये इतना ही हमें करना है कि हमें methodically रोज साधना करते जाना है, पद्धति से हमें साधना करते जाना है और फिर हमें इससे हमें एक अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होगी कि भाई ये हो सकता है। और अगर ये हम करते हैं तो इसका परिणाम इतना अद्भुत आएगा कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा
इतना बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन इसका एक अच्छा परिणाम हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीज जो है वो करना है, इतना ही कि रोजाना निरंतर साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये होता नहीं है, जब ये चीज अंदर से दिखती नहीं है, इसका अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक इसको करते ही जाना है। वी आर सो ब्रेन वॉश्ड दैट वी फर्मली एंड फॉन्डली बिलीव वॉट एवर अवर प्रीस्ट टेल अस, व्हेन विल दिस मॉकरी एंड। तो हम जो हमारे धर्मगुरु वगैरह जो कोई सो कॉल संत महात्मा वगैरह कहते हैं, तो खुशी खुशी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और इस तरह हमारा ब्रेन वॉश हो गया है। फिर तो इतना ब्रेन वॉश हो गया है कि अभी इसके विरुद्ध हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगर उसके विरुद्ध कोई बोलता है तो भी हमारे अंदर एक आग लग जाती है कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु ने कहा है बस वही सच है, उसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। इतना ब्रेन वॉश हमारा हो गया, हम अपने अंदर से सोच नहीं सकते। भगवान ने हमें खुद बुद्धि दी है, भगवान ने सारी चीजें दी है, पर क्या सच है उसको हम अपने ढंग से सोचने का प्रयत्न नहीं करते। किसी ने हमने कह दिया बस उसको पकड़ के बैठ गए, तो एक प्रकार का मजाक है ये। हमारा जीवन इस तरह मजाक में चला जाता है और फिर कुछ हाथ में नहीं आता है। वी हैव आवर आईज हेवन वर्ड बट अवर फीट आर फर्मली प्लांटेड इन सुपरस्टिशन। अब हमारी नजर तो ऊपर है, हमें चाहिए स्वर्ग चाहिए, पर हमारा जो पैर है वो वहमों के अंदर और सारी ऐसी निरर्थक क्रियाओं के अंदर हमारे जो पैर है वो डटे हुए हैं। तो जो है वो खाली आंख ऊपर करने से स्वर्ग नहीं मिल जाता है, ये सब वहमों से निकलना पड़ता है और जो सही ढंग से जो प्रैक्टिस है उसको करना पड़ता है। ओनली लुकिंग हेवन वर्ड विल नॉट हेल्प, फॉर नो हेल्प कैन कम फ्रॉम देयर, फॉर एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड इज हियर एंड विद इन यू, वेक अप एंड बी फ्री। तो ये खाली ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, वहां से कुछ नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमें दिया हुआ ही है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये सारी चीजें पोटेंशियल रूप में एक गर्भित रूप में ये सारी चीजें दी हुई है। सब व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है और उसको हमें जो है वो अनफोल्ड करना है, उसको हमें निकालना है और उसको हमें रियलाइज करना है। जागो और मुक्त बनो, रिमेम्बर। अब यहाँ एक उमर खयाम की रुबायत यहाँ देते हैं। उमर खयाम से वो बहुत एक रिवोल्यूशनरी या रिबेलियन टाइप की उनकी रुबायत जो उन्होंने लिखी थी पर्शिया में, वो उर्दू में या पर्शियन में, तो वो काफी कटाक्ष करते रहते थे ये सारी चीजों के ऊपर। तो रुबायत में ये कहते हैं, दैट इन्वर्टेड बॉल वी कॉल द स्काई हेवन वर्ल्ड, बीनिथ विच वी क्रीचर्स लिव एंड डाई, लिफ्ट नॉट योर हैंड टू इट इन प्रेयर, फॉर इट रिवॉल्व एज इम्पोर्टेंटली एज यू और आई। तो क्या कहते हैं उमर खयाम कि देखो, ये जिसको आप स्वर्ग कहते हैं ये, या जिसको आप आकाश कहते हैं, ये तो एक उल्टा बॉल जैसा है। जैसे एक बॉल होता है, उसको हम जब उल्टा कर देते हैं तो कैसा होता है, तो स्काई जैसे गोल गुंबज की तरह है। तो इस तरह का ये स्काई है हमारा, इसके नीचे हम हर प्राणी जो है वो जीते हैं और मरते हैं, पर वो उसके लिए वो स्काई की और वो आकाश की और अपने हाथ उठा के कभी भी प्रार्थना मत करना। इसका मतलब कि उसको प्रार्थना मत करना कि भाई मुझे ये दे दो वो दे दो। वो कोई जैसे वो स्काई के अंदर कोई बैठा है परमात्मा, और उसको हम हाथ उठाकर, सब लोग हर धर्म के लोग इस तरह करते हैं, हम देखते हैं कि हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, ऊपर देखते हैं, आकाश में देखते हैं, जैसे आकाश में कोई भगवान बैठा है इस तरह। और ये कहते हैं क्योंकि फॉर इट रिवॉल्व एज इम्पोर्टेंटली एज यू एंड आई।
तो वो हमारी तरह ही वो भी इस तरह इम्पोर्टेंट है या निष्क्रिय है या फिर असक्त है, वो कुछ देने के लिए शक्तिमान नहीं है। आप ऊपर मत देखो और किसी को उसको प्रार्थना मत करो, वो आपको कुछ नहीं देगा। जैसे हम और आप है वैसे ही वो भी है। एक एक मजाक के रूप में ये उमर खयाम ने बहुत सारी रुबायत इस तरह लिखी हुई है। टेक हार्ट, होल्ड योरसेल्फ फर्मली एंड गेट सेट टू डू द सिंपल थिंग्स डेली सिंसियरली एंड गेट द अल्टीमेट रिजल्ट विच इज गारंटीड फॉर यू आर देन एक्सपीरियंसिंग योर ओन ट्रू नेचर दैट हैज बीन विथ यू ऑलवेज। तो यहाँ फिर से ये बात करते हैं साधना के लिए, क्या एक महत्व देते हैं कि भाई अपने आप को तैयार करो एकदम फर्मली दृढ़ता पूर्वक और छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। तो इसीलिए तावड़िया जी ने भी हमें छोटी छोटी चीजों दिए थे कि भाई रिफाइनिंग करो, थ्री स्टेप करो, फिर आगे थोड़ी और प्रैक्टिस करो। इस तरह छोटा छोटी छोटी चीजें, जो करेक्टिव की जरूरत है तो करेक्टिव एक्सरसाइज करो, प्रिज्म करो, ऐसी छोटी छोटी चीज करते 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 धीरे धीरे हमारी जो आंख बाहर की ओर जाती है वो अंदर की ओर मुड़ेगी। वो अभी ऐसा है कि हमारी आंख कभी भी अंदर की ओर मुड़ती ही नहीं है। हम आंख बंद करके बैठते हैं तो भी अंदर नहीं मुड़ती है, वो तो बाहर ही भटकती रहेगी, बाहर ही वो विचार करती रहेगी और हम और कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हमारा दिमाग भटकता रहेगा। तो छोटी छोटी चीज करने से धीरे 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 क्या होता है कि हमारी दृष्टि अंदर की ओर जाने लगती है, अंदर एक सेंसेशन चालू होता है कि हाँ जब ये थ्री करते तो अंदर कुछ गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, कुछ मजा आता है। तो धीरे धीरे करके हम पहले स्थूल लेवल के संवेदना को पकड़ते हैं, फिर सूक्ष्म लेवल की संवेदना को पकड़ते हैं, फिर और अंदर धीरे 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 करके गति हमारी होती है। तो ये मेथोडिकल साधना है, इस तरह हमें करना है। और उसका जो आखिरी परिणाम है वो विश्वास पूर्वक गारंटी के साथ फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जब आप ये आपका जो ट्रू नेचर है उसका आप अनुभव करते हैं तो वो चीज तो आपको अंदर हमेशा दी हुई है। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आप वहां तक पहुंच सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। इन अवर लास्ट मीटिंग वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द थ्री वाइटल एरियाज ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड देयर वर्किंग। इन द थर्ड मीटिंग वी हैड टेकन अप एन एक्सरसाइज टू बाइंड ए द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ऑफ द ब्रेन टू ए पर्टिकुलर टास्क एक्सक्लूसिवली। यू ऑल्सो मस्ट हैव ट्राइड एंड मस्ट हैव ऑल्सो कम अक्रॉस द मैनी डिस्ट्रक्शंस टू अननव यू एंड यू मस्ट हैव अप्लाइड द मेथड शोन टू यू मीट ईच डिस्ट्रक्शन थस कीपिंग द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट बियॉन्ड टू द प्रैक्टिस इन हैंड। आई होप यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग इट। तो यहाँ ये जो हमने प्रीसेंसिंग की टेक्निक जो देखी थी तीन चार मीटिंगों के अंदर, और इसके ऊपर काफी डिटेल में उन्होंने तावड़िया जी ने बताया था कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या जिसको हम दिमाग कहते हैं, वो जो भटकता रहता है निरंतर, उसको किस तरह शांत किया जाए, या फिर पहले तो जो इसकी भटकन है उसका हमें अनुभव लेने के लिए भी, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं तब तक वो भटकता है वो भी हमें पता नहीं चलता। हम अपनी दुनिया में मस्त है और वो भटकता हमेशा रहता है। जब अब हम उसको शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं तब पता चलता है कि ये तो कितना तूफानी है, ये तो कितना भागम भाग करने वाले चीज है। तो इसके लिए एक टेक्निक का हम सहारा लेते हैं जिसको हम प्रीसेंसिंग टेक्निक कहते हैं, और वो इसके अंदर जो फिर टेक्निक दी थी कि जैसे कि नाक का अंदर का कोई हिस्से के अंदर सेंसेशन होता है, जहाँ टच होता है उस स्पॉट को आप पकड़ के रखो और हर श्वास के साथ में इन आउट बोलते रहो, फिर जो डिस्ट्रक्शन जो विक्षेप आते हैं तो उसको किस तरह बोल के उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें ये टेक्निक के अंदर देखी थी। और ये यहाँ होप करते हैं कि अभी भी आप ये प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप में से भी शायद कोई लोग ये प्रैक्टिस आपकी चालू होगी होपफुली,
और करनी चाहिए, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं चलता है। खाली एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, हमें अंदर जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना पड़ेगा और इस तरह की छोटी मोटी टेक्निकों को दिन भर में हमें उपयोग करते रहना पड़ेगा। इफ यू हैव सिंसियरली प्रैक्टिस दैट एक्सरसाइज डे आफ्टर डे इवन फॉर ओनली 5 मिनट्स अ डे, व्हाट हैव यू रियलाइज दिस प्रैक्टिस ब्रिंग टू अवर माइंड क्रिएशन प्राइमरी एंड फर्स्ट लॉ द अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ द थिंग इन द एंटायर क्रिएशन द बर्थ एंड डेथ ऑफ थिंग्स थॉट्स ह्यूमन बीइंग्स प्लेनेट्स stars, galaxies, all, everything is, it is only an arising and passing away. Now go back to the exercise with this thought in mind and handle your distraction. अब यहाँ एक जो है बहुत छुपा जो एक लोक है या एक परमात्मा का जो सर्जन है, ये सर्जन के अंदर एक बहुत छुपी हुई चीज जो है वो इस टेक्निक के द्वारा भी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। और वो प्राइमल चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है वो चीज क्रिएशन के अंदर। और वो चीज यही है कि हर चीज जो है वो उत्पन्न होती है और उसका नाश होता है, वो एराइज होती है और पास होती है। और एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है वो बौद्धिज्म का है, बौद्धिज्म के अंदर इसको बहुत भार दिया हुआ है कि हमारा इवन ये जो शरीर है तो शरीर का एक एक कोष जो है वो भी हर क्षण उसके अंदर ये उपार्जन और निर्जरा, ये दो शब्द है बौद्धिज्म के अंदर, जिसको राइजिंग कहते हैं उसको उपार्जिता कहते हैं और जो पासिंग अवे है उसको निर्जरा कहते हैं। तो ये हमेशा उत्पन्न होता है, उसकी निर्जरा होती है, हर क्षण सारी सृष्टि के अंदर ये चीज होती है। हाँ, टाइमिंग अलग अलग हो वो अलग बात है, पर ये प्रक्रिया तो हर जगह पर हर मोमेंट यही प्रक्रिया है। वो स्टार्स के लेके है या ह्यूमन बीइंग के लेके है या प्लैनेट्स के लेके लिए है या इवन हमारा विचार, सब कुछ जो है वो हमेशा ये नियम के ऊपर ही काम करता है कि उत्पन्न हुआ वो खत्म हुआ, उत्पन्न हुआ। विचारों को भी देखो, एक विचार आया, अब वो एकदम जब इमीडिएटली चला जाता है और दूसरा तुरंत उसके पीछे दूसरा विचार आ जाता है। हर चीज जो है दुनिया की ये यही पॉइंट के ऊपर है। तो इससे हमें क्या एक संदेश मिलता है या क्या हमें इससे ये समझ सकते हैं कि सारी चीजें नश्वर है। हमारे शास्त्र बहुत भारपूर्वक ये बात कहते हैं ना कि सारी चीज जो है वो नश्वर है, कोई चीज टिकती ही नहीं है। ये संसार भगवान ने ऐसा बनाया है कि चाहे हम सालों के अंदर इसकी गिनती कर ले फिर भी उसका अंत तो निश्चित ही है। जो चीज जन्मी है उसका अंत निश्चित है। तो सारी चीजें जो है वो इस तरह नाशवंत है, फिर भी हम इसका मोह करके ये चीजों को पकड़ के रखते हैं, चाहे वो शरीर है चाहे वो कोई मटेरियल है कुछ भी है, वो चीज रहने वाली नहीं है, वो हमें पता है, फिर भी हमारा मोह जो होता है वो मोह हमें ये छोड़ने नहीं देता है। पर ये अगर ये नियम हमने देख लिया और हमारे अंदर भी हम देखते हैं कि ये चीज देखो उत्पन्न हुई ये खत्म हुई, हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है और तुरंत खत्म होती है, दूसरी इच्छा आती है वो खत्म होती है, तो ये चक्कर चलता ही रहता है। सृष्टि का आधार ही ये पूरी चीज है और ये चीज भगवान ने जो बनाई है ये उसको हम ये जो प्रैक्टिस करते हैं जब हम ये प्रीसेंसिंग उसके दौरान हम इसको देख सकते हैं कि देखो ये श्वास आया और गया तो ये उत्पन्न हुआ और उसकी निर्जरा हो गई। उसी तरह विचार को देखते तो देखो एक विचार आया और ये चला गया, कुछ टिकता ही नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है। पर हमें एक सातत्य का एक भ्रमणा रहती है, जैसे एक फिल्म चलती है तो फिल्म के अंदर तो क्योंकि इसकी एक गति होती है, गति के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, गाड़ी चल रही है। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं, हो तो एक इंडिविजुअल फिल्म आप लोगे उसकी तो वो तो एक इसमें एक ही मूवमेंट होती है, फिर उसके साथ दूसरी मूवमेंट के दूसरी पत्ती होती है, इस तरह पूरी पत्ती एक बनती है जिसके अंदर अलग 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 मूवमेंट होती है। और इस सारी चीजों को जब एक इसके ऊपर चलाया जाता है तो वो गति के कारण हमें ऐसा लगता है कि भाई ये
चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हकीकत में तो वो यही चीज है। तो इसी चीज है हमारे यहाँ भी है कि हमारा चाहे ये विचार है, चाहे हमारा श्वास है, कुछ भी है, वो उत्पन्न होगा, नाश होगा, और इसका बोध हम ये टेक्निक से ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत गहरा नियम है। अगर ये सही ढंग से अगर किसी ने देख लिया तो उसके अंदर धीरे धीरे करके एक वैराग्य का भाव आ जाएगा। उसको लगेगा कि फिर किस लिए मैं ये सब पकड़ के रखा हूँ, ये सब चले जाना ही वाला ही है, तो मैं किस लिए ये सारी चीजों को पकड़ के रखता हूँ। तो एक वैराग्य भाव धीरे धीरे करके अंदर आएगा। द ओनली वाइटल पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज द ह्यूमन ब्रेन। इन दिस मीटिंग वी शैल ग्लांस ओवर क्विकली वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट मीटिंग। मैनी मैन मे लुक क्वाइट इम्पोर्टेंट बट हिज ब्रेन विथ इट्स इनहेरेंट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एज पर डिवाइन डिजाइन इज माइटीली पोटेंट। मैन डज नॉट एज येट नो हिज ओन ग्रैंड्योर एंड मैजिस्टी जस्ट एज बंगाल टाइगर इज नॉट अवेयर ऑफ हिज माइटी स्ट्रेंथ। तो यहाँ कहते हैं कि हम यहाँ इस जो ह्यूमन ब्रेन है उसके लिए बार इसको समझने का यहाँ प्रयत्न करते हैं। और जो लास्ट मीटिंग के अंदर क्या हमने समझा था उसको यहाँ ये दोहराएंगे। तो मैन में लुक क्वाइट इम्पोर्टेंट बट हिज ब्रेन विथ हिज इनहेरेंट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एज पर डिवाइन डिजाइन इज माइटी पोटेंट। अब मनुष्य को जो उसका ओरिजिनल डिजाइन है, जो इनहेरेंट डिजाइन है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो एकदम पावरफुल है, माइटी है, वो पोटेंशियल है। अब ऐसा है कि हम उसको जानते नहीं या उसको उपयोग नहीं करते हैं, तो अभी हम जैसे कि इम्पोर्टेंट असक्त लग रहे हैं, हम हमारी शक्ति का सही उपयोग हम नहीं करते हैं। पर जो भगवान ने जो डिजाइन दिया है, वो हमारे ब्रेन की जो डिजाइन है ओरिजिनल, वो तो एक डिवाइन डिजाइन है, उसके मुताबिक ये है, और वो डिवाइन डिजाइन जो है वो माइटीली पोटेंट डिजाइन है। और जिस तरह एक टाइगर होता है, बंगाल टाइगर, वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानता है कि वो कितना ताकतवर है, इसी तरह हम भी जो है वो हमारा जो बड़प्पन है और हमारी जो प्रतिभा है, मेजिस्टी है हमारे अंदर, उसको हम नहीं जानते हैं। तो वो हमें साधना के द्वारा धीरे धीरे करके हमें हमारे अंदर क्या पोटेंशियल, क्या पड़ा हुआ है, क्या इनहेरेंट हमारी डिजाइन है, क्या हमारी शक्ति है, वो हम साधना से धीरे धीरे करके जान पाते हैं। वी हैव नोटेड द थ्री वाइटल एरियाज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, दैट इज अ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया, बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अपकीप एरिया, एंड सी द साइलेंट एरिया और द होली ग्राउंड। सिमिलरली द ऑर्गेनिज्म हैज थ्री वाइटल एरियाज, वन द हेड, टू द चेस्ट एरिया, एंड द थर्ड एब्डोमिनल एरिया। अब तीन वाइटल एरिया हमारे अंदर कौन सा है ब्रेन के अंदर, तो एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया है जिसे हम विचार करते हैं, तो उसके अंदर आईएसएन केंद्र आ जाता है, और पीछे का जो मेमोरी पूल है जहां से हम मेमोरी लेके, इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी लेके फिर विचार बनाता है, तो वो एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और अपकीप का एरिया है कि जो शरीर की सार संभाल लेता है, सब ठीक ठाक चल रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, अंदर की सिस्टम्स वगैरह ठीक ठाक रूप में चल रही है, इसका ख्याल जो रखता है वो दूसरा एरिया है। और तीसरा एरिया है वो साइलेंट एरिया है, और जिसको होली ग्राउंड भी कहते हैं। तो साइलेंट एरिया जिसको हम हमारा जो आत्मतत्व का एरिया है उसको साइलेंट एरिया कहते हैं। और ये होली ग्राउंड शब्द जो है वो वैसे तो ये क्रिश्चियनिटी से आया हुआ है, और बाइबल में होली ग्राउंड के लिए क्या कहते हैं भगवान, जैसे कि गॉड सेड टेक ऑफ योर सैंडल्स फॉर द प्लेस यू आर स्टैंडिंग इज होली ग्राउंड।
तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम जहाँ खड़े हो वो ऐसी पवित्र जगह है, तो तुम्हारे ये जो सैंडल है, जो चप्पल वगैरह पहना है, उसको तुम निकाल दो, वो होली ग्राउंड है। तो ये बाइबल में भी लिखा है, लोग बाहर का बाहर होली ग्राउंड ऐसा ढूंढते हैं, पर ये हमारा जो साइलेंट एरिया है वो होली ग्राउंड है। तो यहाँ एक सिंबोलिकली कहा है कि टेक ऑफ योर सैंडल। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे जूते निकाल के जाते हैं, हम पवित्र भाव से जाते हैं, तो ये साइलेंट एरिया जो है वो हमारा रियल होली ग्राउंड है। वहाँ हमको ये सब टेक ऑफ करके जाना है। क्या टेक ऑफ करना है, क्या निकाल के जाना है, कि जो हमारे अंदर की जो वीकनेस है, निर्बलता है, जो गलत सोच है, उसको सारी चीजों को छोड़ के हमें साइलेंट एरिया के अंदर दाखिल होना है, वो होली ग्राउंड है। और इसी तरह हमारा जो देह है, देह के अंदर भी तीन ऐसी जगह है, जो एक हेड है, मतलब मस्तिष्क है, फिर चेस्ट का एरिया, और तीसरा एब्डोमिनल मतलब पेट का एरिया। द इम्पोर्टेंट फैक्टर बीइंग दैट द एरिया हेड, चेस्ट एंड एब्डोमिन हैव टू फंक्शन इन अ सर्टेन रिलेशन ऑफ रिदम, फॉर दिस इज द पैराडिक स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द ब्रेन एरिया ए एंड बी। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसके अंदर, परिबल क्या है, कि ये जो तीन चीज है, हेड, चेस्ट और एब्डोमिन, वो तीनों को एक निश्चित रिदम के साथ ही काम करना पड़ चाहिए, ताकि वो जो है वो ब्रेन का जो ये दो एरिया है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और वाला और दूसरा, उसके साथ में वो पैराडिक स्टेट के अंदर, मतलब कि एक जागृत स्थिति के अंदर वो कोऑर्डिनेट करके वो काम कर सके। तो एक देह का एरिया है और एक जो है वो ब्रेन का एरिया है, दोनों को एक दूसरे के साथ में जागृति पूर्वक काम करना है। अब ये जो है, जैसे कि यहाँ रिदम की बात की है, अब हम जो रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो इसके अंदर भी जो हमारा जो चेस्ट और एब्डोमेन के लिए एक क्या एक ऑर्गन है, वो हमारा ऑर्गन है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम अगर रिदम से चलता है तो हमारी चेस्ट भी इस तरह उठेगी, हमारा जो एब्डोमेन जो है वो भी इस तरह उठेगा। इसलिए हम जब थ्री स्टेप की प्रैक्टिस, रिदम की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक हाथ छाती पर, एक हाथ पेट पर रखते हैं कि चेस्ट और एब्डोमेन साथ साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका हम अनुभव कर सकें। तो रिदम द्वारा ये दोनों को भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और हेड जो है, अब ये जो हमारा डायाफ्राम कैसे चल रहा है, डायाफ्राम का आधार क्या है, क्योंकि डायाफ्राम निरंतर चलता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो कौन उसको कहता है, तो ब्रेन में से हर समय नर्व द्वारा एक सिग्नल उसको मिलती है, ब्रेन में से उसको कहा जाता है कि भाई अब नीचे जा, अब ऊपर आ, अब नीचे जा, अब ऊपर आ। तो ब्रेन का जो ये काम है, इसलिए यहाँ हेड, चेस्ट और एब्डोमिन तीनों को हम रिदम के अंदर ला सकते हैं, और ब्रेन का जो एरिया है उसके साथ हम इसके जोड़ के उसके रिलेशन में हम काम ले सकते हैं। लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन, ईच इन ए एलिप्टिकल राउंड, ईच एट अ सर्टेन स्पीड एंड येट इन रिदम विथ वन अनदर सर्च एरिया, सो ईच एरिया आइदर ऑफ द ब्रेन और ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड हैव इट्स ओन रिदम और फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू अदर एरिया, दैट इज ईच एरिया इज बेस्ड ऑन इट्स ओन ऑक्टेव, ए कम्प्लीटेड ऑक्टेव इज रिदम, इफ एनी एरिया डज नॉट कम्प्लीट इट्स ऑक्टेव इट इज आउट ऑफ रिदम, बट ह्यूमन बींग्स ऑफ अवर टाइम डू नॉट फंक्शन थस। अब जैसे ये हमारे अंदर की बात की है रिदम के साथ में किस तरह, इस तरह बाहर के अंदर जो यूनिवर्स के अंदर भी जो चल रहा है, जैसे कि हमारा सूर्य है और सूर्य के आजू बाजू जो प्लेनेट्स है, ग्रह है हमारे जो अलग अलग, जैसे कि पृथ्वी तो घूम ही रही है, उसके साथ में सब मास है, मर्क्यूरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, सब ग्रह जो है वो
उसके अंदर एलिप्टिकल राउंड में, मतलब अंडाकार, एक एकदम गोल रूप में नहीं घूमते हैं, वो अंडाकार शेप के अंदर ऐसे पूरा चक्कर लगा के उसके इर्द गिर्द में घूमता रहता है। और इसी तरह हमारा जो ब्रेन का एरिया है और ऑर्गेनिज्म, उसको भी वो इसी तरह ये रिदम के साथ में घूमना चाहिए। तो हर ग्रह होता है वो अपनी निश्चित स्पीड के साथ में, एक रिदम के साथ में घूमता रहता है। इसी तरह हमारे अंदर भी यही क्रिया इसी रिदम या फ्रीक्वेंसी से चलनी चाहिए। और ये चीज जो है वो इसको ऑक्टेव के साथ संबंध है। ऑक्टेव हम पहले देख चुके हैं कि जो सारे गम पद निशा जो आठ जो सुर है वो ऑक्टेव के होते हैं, और हमेशा उसके अंदर हर एक चीज जो बनती है वो ऑक्टेव से बनती है, पर हमेशा उसमें दो गैप आते हैं। तो एक चीज चालू होती है, फिर सारे ग ग के ऊपर आके वो चीज रुक जाती है, एक गैप निर्माण होता है, उसमें से निकलना पड़ता है। फिर आगे म प ध पर आता है तो फिर ध के ऊपर फिर से गैप आ जाता है, वो चीज रुक जाती है, वहां फिर फोर्स देकर उसको और आगे चलाना पड़ता है, तब वो नी सा करके वो ऑक्टेव कंप्लीट होता है। तो जहां ऑक्टेव है वहां रिदम है। यहाँ रिदम मतलब कि हम जो 1 2 3 5 6 वाली रिदम इतना ही नहीं है, पर रिदम का मतलब ये है कि जो एक हारमोनी और रिदम में जिस तरह चीजें चलती है, तो ये रिदम जो है वो जो ऑक्टेव कंप्लीट होता है हमेशा वो रिदम में होता है। फिर हमारे अलग अलग हमने ऑक्टेव भी देखे थे कि भाई हमारा डाइजेशन का एक ऑक्टेव होता है, फिर स्वास्थ्य का ऑक्टेव होता है, फिर इनकमिंग इम्पल्स का भी ऑक्टेव होता है, पर हर एक के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए, तब एक एक रिदमिक ऑर्डर के अंदर ये पूरा जाके कंप्लीट होना चाहिए, तब वो ये रिदम या फिर ये कंप्लीट ऑक्टिव बनता है। पर आज का इंसान जो है वो कहते हैं इस तरह जीता नहीं है, उसका जो रिदम है हर चीज के अंदर, इसका रिदम या इसका जो ऑक्टिव है वो कंप्लीट होता ही नहीं है, हर चीज के अंदर एक अधूनापन रहता है। ओनली इन केस ऑफ द होल और कंप्लीट और फुल्ली डेवलप ह्यूमन बीइंग वन कैन फाइंड दिस रिदम्स, एंड सो वी फाइंड दैट द पेरेडिक इंटरनल स्टेट एज पर द इनहेरेंट डिजाइन इज नॉट एट ऑल फाउंड फंक्शनिंग इन ह्यूमन बीइंग ऑफ अवर डेज। तो ये जिस तरह अंदर का ये रिदम के साथ में जो बीइंग काम करता हो, ऐसा बहुत कम हम ह्यूमन बीइंग को इस तरह देख पाएंगे। जो जिसको हम योगी कह सकते हैं या फिर इवोल्व व्यक्ति जो होते हैं, जो अध्यात्म में काफी आगे निकले हैं, वही ऐसे व्यक्ति है कि जिस तरह वो इस तरह की रिदम के साथ जीते हैं। उसका रिदम मतलब खाली श्वास के अंदर नहीं, फिर वो रिदम उसके विचार के अंदर भी, उसका दिमाग काम कर रहा है उसके अंदर वो चलता है, वो भी एक रिदम के अंदर होता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और हाथ में न्यूज़पेपर लेता है, वो भी एक एक रिदम के अंदर सारी चीजें जो है वो उसकी रिदम से गतित होती है। पर ऐसा ह्यूमन बीइंग बहुत कम होता है आज के दिनों में, इस तरह मिलना कम होता है। तो यहाँ रुकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें टाइम नहीं मिला था कोई प्रश्न का के लिए, तो यहाँ रुकते हैं। आगे का काफी है, वो आगे पढ़ेंगे। पर किसी को कोई खास प्रश्न है ये जो पढ़े या लास्ट मीटिंग के अंदर, और या और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किस चीज का नाम? मूवी का नाम नहीं सर, मूवी का नाम बताया। वीप का मूवी सर, मूवी मूवी हाँ 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 मूवी, ये द ब्यूटीफुल माइंड, द ब्यूटीफुल माइंड, हाँ द ब्यूटीफुल माइंड करके इंग्लिश फिल्म है, डॉक्टर जॉन नोश के ऊपर है। वो फिल्म की बात की थी शुरुआत में मैंने। और कोई प्रश्न?
गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। लास्ट मीटिंग के अनुसंधान में मेरा प्रश्न है, हाँ, उसमें इनका जो स्टेटमेंट आपने बताया था, हाँ, ये लिखा हुआ है कि 66% जो उपीपन जो है, मतलब कि जो इम्पल्स जो है, तो वो अदृश्य हो जाते हैं, हाँ, वैनिश हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो ये वैनिश जो हो जाते हैं इम्पल्स, उसको हम मतलब कि उसका 1% भी या 0.5% भी अगर हम उसको बचा सकते हैं, हाँ, तो वो हमारी नहीं बच जाएगी। नहीं, ये एक मैकेनिज्म है, ये भगवान ने बाय डिफॉल्ट ऐसा बनाया है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है कि हम इसको रोके या इसके ऊपर काम करें। शायद अभी ये तो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि साहब ने कहा नहीं है कहीं पर भी कि इस तरह की इम्पल्सिस को भी के ऊपर भी काम किया जाता है या इसको रोका जाता है। पर नॉर्मल कोर्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिफॉल्ट रूप में जितना आता है, जैसे कि ये, और ये सारी गिनती जो है ये डॉक्टर किंग की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक सेकंड के अंदर 30,000 इम्पल्सिस आते हैं, और 30,000 आते हैं तो उसका 66% माने करीब 20,000 इम्पल्सिस जो है वो अदृश्य हो जाते हैं। अब वो अदृश्य क्यों होते हैं, इसका भी मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि क्योंकि प्रकृति के अंदर कुछ भी वेस्टेज नहीं है, कुछ या फिर कुछ खाली, मतलब कि एक खाली बनाने के लिए बना दिया, ऐसा होता नहीं है। प्रकृति के अंदर हमेशा हर चीज का एक पर्पस होता है। तो ये जो कुछ है, मुझे लगता है कि वो अंदर जाता है, पर उसका कुछ कोई पर और जगह पर उसका कोई डेवलपमेंट के अंदर या कुछ आत्म तत्व के अनुसंधान के अंदर उसका कुछ रिलेशन होता होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में तावरिया जी ने क्लियर कट लिखा नहीं। इतना है कि योगी के अंदर इतनी बहुत सारी शक्तियां होती है कि वो जो चीज नॉर्मल आदमी उपयोग नहीं कर सकता, ऐसी चीजों, जैसे नॉर्मल कोर्स में तावरिया जी एक एग्जांपल देते थे कि भाई जैसे कि हम 1 से 4 के बीच में कॉटन का जो है, कॉटन को से नॉस्ट्रियल बंद कर देते हैं, क्योंकि उस दौरान पृथ्वी से जो उग्र प्रकार के जो वाइब्रेशंस या जो शक्ति निकलती है वो सामान्य आदमी उसको पचा नहीं सकती है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। पर फिर भी वहां वो लिखते हैं कि अगर जिसका बॉडी बायोलॉजिकली तैयार है, ऐसी व्यक्ति उसी चीज को डाइजेस्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज नॉर्मल व्यक्ति के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसका उपयोग नहीं कर सकती है, ऐसी कई चीजें जो है वो योगी इसका उपयोग कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो 20,000 इम्पल्सिस अंदर जाता है उसमें से कुछ वो अपनी साधना में या अपने प्रोग्रेस के लिए उपयोग कर सकता हो, पर कोई क्लियर पिक्चर इसका है नहीं, हम अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न था वो मुझे वही थी, उसमें एक और प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक और उसके संदर्भ में है, हाँ, कि 1% जो है, हाँ, 1% जो बचता है, हाँ, वो अपने इक्विलिब्रियम के लिए है। वो क्या है कि ये हमारा शरीर का जो संचालन है, बैलेंस है, हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो शरीर का एक बैलेंस होना चाहिए ना। तो ये हमारे अंदर, हमारे कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है, और वो ईयर ड्रम का ये मैकेनिज्म ये है कि ये बैलेंसिंग का काम करता है। तो ईयर ड्रम के लिए ये 1% जो है वो इम्पल्सिस वहाँ बैलेंसिंग के लिए काम करते हैं। तो ईयर ड्रम के लिए वहाँ मतलब कान के अंदर जाते हैं और वहां से उसका ये उपयोग होता है, ये बात वो डॉक्टर किंग कहते हैं। 1% इसके लिए है। तो मतलब कि सर, जब हमारी एजिंग जब होती है, हाँ, तो ये जो हमारा मिलता है वो उसका डिप्रेशन होता है, कम होता है वो, हाँ, वो तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं एनर्जी, क्योंकि एजिंग के लिए तो हमारी पूरे शरीर की नर्वस सिस्टम ही जब वीक होती है तो हमारा चलना फिरना सब ये हो जाता है। पर
पर जो कोई मानो कि जवान व्यक्ति भी है उसका जो ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है तो वो व्यक्ति का बैलेंस चला जाता है। तो कई लोगों को उठने में उठते समय चक्कर आते हैं, या तो पहले एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कान को चेक कराना पड़ता है कि भाई ये बार बार चक्कर क्यों आते हैं, क्योंकि चक्कर आने के बहुत सारे कारण होते हैं। बीपी फ्लक्चुएट होता है तो भी चक्कर आते हैं, ये ईयर ड्रम डैमेज होता है तो भी चक्कर आते हैं। तो फिर ये जो है वो इसके कानों की ये जांच करानी पड़ती है कि भाई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके कारण ये चक्कर आ रहे हैं। तो ये एक बैलेंसिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये ईयर ड्रम जो है वो एक सही ढंग से काम करे। पर सिर्फ ओल्ड एज में तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारा यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, होता है ऐसा मुझे लग रहा है। राइट? नहीं, ये तो ये एक नॉर्मल ये जो बैलेंस का काम है उसमें कोई ये प्रैक्टिस करने से कोई एक्स्ट्रा बैलेंस आ जाएगा ऐसा तो है नहीं। ये जो ईयर ड्रम और ये जो हमारा बैलेंस का काम है बॉडी का, वो तो एक बॉडी अपने आप में जो करता है नॉर्मल कोर्स में। एज बढ़ती है तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके वीक हो जाता है और वो कम होता है। हाँ, ये इतना होता है कि जब हम ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम हमारी मजबूत रहती है, इसके कारण हमारा बैलेंस, चलना फिरना, वो बड़ी उम्र तक हम अबव 70 में भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल इफेक्ट है बॉडी की। ये कोई खाली ये कान के हिस्से की वो बात नहीं है, पर ओवरऑल नर्वस सिस्टम जो हमारी इम्प्रूव होती है इसके कारण हमारा चलना फिरना, घूमना सब नॉर्मल रहता है बड़ी एज में भी। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए। और किसी को प्रश्न है क्या? नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।